मिर्जापुर चुनार थाना क्षेत्र के सप्तेशगढ़ पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम गोलहनपुर में भाजपा के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल के भतीजे इंस पटेल को इस टाइम वर्तमान में इंस पटेल ग्राम प्रधान है। इंस पटेल खड़े होकर एक पत्रकार के परिजनों पर हमला बोलवा दिया एवं पत्रकार के परिजन को लोहे लाठी डंडे पत्थर आदि सामग्री से वार करवाए और पत्रकार और उनके परिजन को मौत की हालत में छोड़कर फरार हो गए। इलाज के दौरान पत्रकार के चाचा की मौत हो गई, वहीं पत्रकार के बहन के साथ बदतमीजी की। आपको बताते चले कि यह विवाद आबादी जमीन की है, जहां पर पत्रकार का 20 साल से कब्जा था, वहां पर झोपड़ी लगाया गया था और देसी खाद फेंका जा रहा था। पत्रकार के परिजन घर पर नहीं थे कि उसी का फायदा उठा करके विपक्षियों ने देसी खाद के ऊपर मिट्टी फेंक कर ढक दिया। जब इसकी सूचना पत्रकार के परिजन को हुई तो पत्रकार के परिजन ने विपक्षियों से बातचीत की, परंतु विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके एक हफ्ते बीत जाने पर विपक्षी ने पंचायत के नाम पर सूबे की सरकार ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल के भतीजे इंच पटेल के खड़े होकर जमीन दिलवाने लगे। तभी पत्रकार के पिताजी बोले, मेरा जमीन है, इसके नीचे मेरा देसी खाद है। अगर आप सभी सरपंच को यकीन ना हो तो इसके नीचे मिट्टी खोद कर देखा जाए। जब मिट्टी खोदा जा रहा था तभी उसी दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल के भतीजे पटेल इंस पटेल ने इशारा कर पत्रकार के परिजन के ऊपर हमला बोल दिया और पत्रकार के परिजन की मौत के हालात में छोड़कर फरार हो गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई, परंतु स्थानीय पुलिस आने पर कतरा रही थी। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जानकारी ली, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इलाज के दौरान पत्रकार के चाचा की मौत हो गई, अभी और परिजन घायल हैं। वहीं पत्रकार के बहन के साथ बदतमीजी की। बता दें कि मौत की सूचना चौकी इंचार्ज को दी गई, चौकी इंचार्ज आने से कतरा रहे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, परंतु पोस्टमार्टम एवं मेडिकल रिपोर्ट में लीपापोती की आशंका जताई जा रही है, जबकि मृतक के चार बच्चे हैं, एक बेटा 3 बेटियां। वहीं पत्रकार के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पत्रकार के परिजन का कहना है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए एवं पत्रकार के चाचा की मौत हो जाने के बावजूद मृत्यु पत्र नहीं बनाया जा रहा है, अपराधियों को कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पत्रकार के परिजन ने मुआवजे को लेकर मांग किया, जिसको देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई एवं भाजपा सरकार की छवि खराब होने की आशंका जताई जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए पवन सिंह की खास रिपोर्ट। अच्छा, पंचायत के माध्यम से हमारे गांव के लोग आए, इंस पटेल आए। वे मैटर 15 दिन पहले था, उनके शादी था। इंस पटेल आए, ये विपक्षी उनसे मिल गए, मिल करके अपने पक्ष में करवाना चाह रहे थे। इंस पटेल ने इशारा कर दिया, वे लोग हम लोग को मारने पीटने लगे। ये बताइए, मारे पीटे, सुन लीजिए बात। हम लोग गए थाना, थाना गए तो हम लोग का मात्र NCR दर्ज किया गया। हम अपनी पूरी बात बताए, लेकिन कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। थाने की पुलिस अपने मारपीट 323 का मुकदमा भर के एक फार्म में ले गई, मेडिकल कराई, जबकि हमारे भाइयों का 3 इंच खोपड़ा फट गया था, दो जगह फटा है। मुझे भारी चोट है, मेरी बेटी को 4 इंची का चोट लगा, लेकिन वही डॉक्टर 1 इंची आधी इंची चोट दिखाया, टाका तक नहीं चलाया। इसके बाद एक दवा भी नहीं दिया। मैंने उनसे प्रश्न किया कि भाइयों का टाका ला दीजिए, कम से कम इतना लंबा लंबा चोट लगा है। तो उन्होंने मुझसे पैसा लेकर के मेडिकल से मंगाया, धागा वगैरह जो भी, मैंने ले गया, उनको दिया, तो टाका चला करके छोड़ दिया। हम लोग घर आए, इसके बाद वे लोग वहाँ गए या नहीं गए, 308 का मुकदमा करके हम लोगों पर, हमारी कोई बात नहीं सुना। 308 का मुकदमा करके हम लोग को डराते, धमकाते, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, क्या कर देंगे।
हम लोग रिश्तेदारी गए, यहाँ दवा सुई कहीं करा रहे थे, कायदे से इलाज भी नहीं करा सके। इसके बावजूद हम लोग जो है कि एकाएक तबीयत खराब हुआ था शुक्रवार को, कौन सा दिन चौथा दिन शुक्रवार को, शुक्रवार को भाई साहब गिर पड़े, का वेंचर सर में दर्द हो रहा था, गिर पड़े। इसके बाद रेडियो बनाओ सर, हम लोग जो है कि ले गए वहाँ मिर्जापुर अस्पताल में, उनका दवा इंजेक्शन चलने लगा, एक दिन रहे। दवा इंजेक्शन के बाद वो लोग जो है कि रेफर कर दिए बीएचयू के लिए, हम बीएचयू गए, वहाँ हम लोगों को एडमिट नहीं कर रहे। किस तारीख को बीएचयू गए इंचार्ज साहब का पूछना है कि बीएचयू कौन सा तारीख, शुक्रवार के, शुक्रवार के दिन। फिर बीएचयू से आप डायरेक्ट आ जा रहे हैं, शुक्रवार को किस दिन था, कौन था दिन, चार दिन हो गए, चार दिन हुआ है, कौन सा दिन, बृहस्पतिवार, आज संडे है, संडे तीन दिन होता है, आज संडे है, तब से यहाँ आए हैं अभी आज। उनकी मृत्यु ट्रामा सेंटर में हम लोग का सीटी स्कैन करवाए, एक्सरे करवाए, और वहाँ का जो डॉक्टर था कपड़े का वो नहीं था, वो लोग केवल पानी वही दे रहे थे। इसके बाद हम लोग काते करते थक गए, कहे डॉक्टर नहीं आएंगे आएंगे, फिर वो झगड़ा पूछने लगे, यह वही मैटर है हम लोग का, ऐसे ऐसे कहें झगड़ा के नाम से वही मैटर है, वे लोग बोले वही मैटर झगड़ा वाला है, सही सही बताओ। हम लोग सीटी स्कैन वगैरह मांग रहे थे, फिर हमको बीएचयू भेज रहे, हम कहे बीएचयू के लोग पहले हमको भगा दिए, हम बीएचयू कैसे जाएंगे वहाँ, फिर आप भेज रहे हैं कि लिखवा लिए हमसे, ठीक है ली भेज दीजिए अपने मर्जी से। हमारे बानवर सब लोग थी, वे बोली कि आप जो है कि कम से कम प्राइवेट में चलिए, पैसा तो लगेगा लेकिन मेरा भाई तो बच जाएगा। हम लोग प्राइवेट में गए, कर चौकी इंचार्ज को भी फ़ोन किए, वर्षा हॉस्पिटल मंत्री जी भी उसको फ़ोन किए, रिश्तेदार को भेजे कि मंत्री जी कम से कम हम लोगों का ये समझौता तो दीजिए, सुलह समझौता तो करवा दीजिए, रमन शंकर जी से करवा देंगे करवा देंगे। इसके बाद रिश्तेदार गए और कुछ कहे कि इनकी कब मृत्यु हुई है, आज मृत्यु, आज कितने बजे, करीबन 2 बजे। Thank you.